हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देसी किचन ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, आज हम कुछ अलग रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे मसाला चाय। तो देखिए, हम लोग मसाला चाय बनाने में क्या क्या गलती करते हैं, इसलिए चाय का स्वाद भर के नहीं आता है। तो चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले हम कर लेंगे फ्लेम ऑन। पहले हम एक आज मैं आपको सिर्फ एक कप चाय की रेसिपी बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाय पी रही है। तो पहले हम लेंगे एक कप चाय के लिए आधा कप हम पहले इसमें पानी लेंगे। ध्यान से, ज़्यादा आपको नहीं देना है, आधा कप ही पानी आपको ऐड करना है। ठीक है, और ये फ्लेम हाई ही रखना है। इसमें आपको डालना है एक इलायची। चलिए, हम इसमें डाल देते हैं पहले ये इलायची। ये दो कली, ये है लौंग की और एक इंच अदरक है। ध्यान रखिए कि इसको कद्दूकस करके नहीं डालना है, क्योंकि चाय तीखा हो जाता है। तो इसको हम थुकच कर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा है इसलिए मैं यहीं पे इसको थुकच लेती हूँ, खलबट्टे में नहीं थुकच रही हूँ। और इसको हाई फ्लेम पे ही गर्म करने लगी, तब तक मैं फान आने लगा, तब तक मैं चीनी चाय पत्ती। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि एक साथ चीनी चाय पत्ती सब कुछ डाल देते हैं ना, उसमें देखिए ये एक बार उफान वाला हो गया है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, चाय पत्ती। चाय पत्ती भी हम पहले ऐड कर लेंगे। तो देखिए कितना शानदार चाय पत्ती इसमें खिल कर इसका कलर भी आएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। कभी जो चाय पत्ती है ना, चाय का तो आपको पता है बिना चाय चाय पत्ती का चाय नहीं बनता है। तो हम इसके लिए ये टाटा टी, इसमें चम्मच लिए हैं चीनी, और हम इसे अब ऐड करेंगे। क्या ऐड करने जा रहे हैं, चलिए ये देखिए कैसे उफन गया है, आपको दिखा देती हूँ पास से। इसमें अब कलर भी आ गया है, तो मैं फिर से इसमें डालूँगी दूध। देखिए मैं दूध डालने के बाद इसका कैसा कलर आया है। तो आपको बता दूं कि चाय का सबसे जो मेन है ना, वो चाय को चलाना है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बराबर रहे। तो देखिए मेरा चाय का कलर, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट। तो देखिए चाय बन के तैयार हो गया है। तो मसाला चाय अगर आपको बनाना हो तो ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, दूध पानी चीनी चाय पत्ती सब साथ देते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करना है, क्योंकि चाय का फिर बड़ी मज़ा नहीं आता है, फिर चाय वो मज़ेदार नहीं बन पाता है। अगर आपको ठंड की कड़क चाय बनाना हो ना, तो प्लीज़ आप ऐसे ही बनाइएगा। और मेरा चाय का रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ आते रहे।